किसी के सिर पर जब फांसी का फंदा लटकता है तो उसकी हालत क्या होती है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। निर्भया के गुनहगारों की फांसी जैसे जैसे करीब आ रही है, चारों दोषियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। डर के मारे दोषियों ने खाना कम कर दिया है, डिप्रेशन में चले गए हैं। हालांकि ये दोषी अपनी मौत से पहले ही कुछ गलत न कर ले, इसलिए चारों के चारों कड़े पहरे में रखे गए हैं। इनके सेल के आसपास 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात तो हैं ही, सीसीटीवी से भी इन पर लगातार नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर जेल प्रशासन फांसी की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। चारों को फांसी पर लटकाने के लिए पवन जल्लाद को तिहाड़ जेल प्रशासन ने एक बार फिर बुला भेजा है। तय है कि पवन जल्लाद मंगलवार शाम तक एक बार फिर तिहाड़ पहुंच जाएगा, ताकि फांसी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। तैयारी ये है कि 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे सबको फांसी पर लटकाने से पहले रेत की बोरियों से आखिरी बार डमी फांसी दी जाए, ताकि फांसी के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। जेल सूत्रों की माने तो चारों में से केवल एक अक्षय ठाकुर की ही अब उसके परिवार वालों से मुलाकात करवाई जाएगी, क्योंकि बाकी तीनों ने अपनी अंतिम मुलाकात पहले ही कर ली है। अधिकारियों का कहना है कि फांसी देने के बाद जेल में रहते हुए इनके अकाउंट में जो भी पैसे जमा हुए हैं वो इनके परिवार वालों को दे दिया जाएगा। इसमें अक्षय ने सबसे ज्यादा काम किया है, जबकि मुकेश ने जेल में रहकर कोई काम ही नहीं किया, और पवन और विनय ने थोड़ा बहुत काम किया है। ऐसे में इनके अकाउंट में 10,000 से 12,000 रुपए जमा होने का अनुमान है। सूत्रों की माने तो चारों को तिहाड़ की जेल नंबर 3 में फांसी पर लटकाया जाएगा। चारों को किसी बाहरी शख्स से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और न ही स्टाफ इनके करीब जा रहा है। जो भी लोग इनके आसपास हैं वो सुरक्षाकर्मी ही हैं। फांसी पर लटकाने से पहले चारों आरोपियों से उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाएगी और उसे पूरा भी किया जाएगा। ये सभी बातें डेजिग्नेटेड ऑफिसर के सामने होंगी। फांसी देने के बाद अस्पताल में उनकी लाशों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद उन्हें परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा।